ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू बाल भारती विद्यापीठ गोहाना। माय नेम इज ज्योति फ्रॉम बाल भारती विद्यापीठ गोहाना। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट यूनिट वन ऑफ ईवीएस एनिमल्स एंड रिप्रोडक्शन। सो लेट्स नो द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मीन्स प्रजनन, जन्म देने की प्रक्रिया। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस इन विच लिविंग बींग्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। रिप्रोडक्शन प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लिविंग बींग्स अपने बेबीज को जन्म देते हैं। लिविंग बींग्स मीन्स जो ब्रीद करते हैं, सांस लेते हैं, ग्रो करते हैं, मूव करते हैं, चलते फिरते हैं, दैट आर कोल्ड लिविंग बींग्स। लेट्स नो द मीनिंग ऑफ ऑफस्प्रिंग। The baby of a living being is called an offspring. Living being के baby को offspring कहा जाता है। So let's get started the chapter reproduction. Introduction. Earth is a special planet because it has life on it. Earth, पृथ्वी एक special ग्रह है क्योंकि इस पर जीवन होता है। Different types of animals and plants make it a unique place to live. अलग अलग तरह के animals और plants इसे रहने के लिए एक अद्भुत place बनाते हैं। But how does life continue on earth? लेकिन पृथ्वी पर लगातार जीवन कैसे बना रहता है? It does so, ऐसा होता है by the process of reproduction. Reproduction की प्रक्रिया के द्वारा ऐसा होता है। Where new living beings are produced by their parents, जहाँ पर parents के द्वारा new living beings को पैदा किया जाता है, जन्म दिया जाता है। The baby of a living being is called an offspring. Living being के baby को offspring कहा जाता है। Reproduction is one of the most important processes for life to continue on earth. Reproduction, प्रजनन पृथ्वी पर जीवन को लगातार बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में से एक है। By reproducing, a living being makes sure that प्रजनन के द्वारा living beings इस बात को श्योर करते हैं, सुनिश्चित करते हैं that there is another living being of its kind to take its place when it dies, कि उनके मरने के बाद, चले जाने के बाद उनका स्थान लेने के लिए दूसरी लिविंग बींग्स सुरक्षित है, जीवित है। रिप्रोडक्शन इज पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। रिप्रोडक्शन सभी लिविंग बींग्स की जीवन चक्र का एक हिस्सा है। इन दिस लाइफ साइकिल, इस जीवन चक्र में लिविंग बींग्स आर बोर्न, लिविंग बींग्स पैदा होते हैं, दे ग्रो अप, वे बड़े होते हैं, एंड रिप्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग बिफोर डाइंग, और मरने से पहले अपने ऑफस्प्रिंग को, बेबी को जन्म देते हैं। सो लेट्स नो द सिमिलैरिटीज बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। हम अब जानेंगे कि पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के बीच में क्या सिमिलैरिटीज होती हैं, क्या समानताएं होती हैं। बेटा, जो पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग होते हैं उनकी कुछ जो हैबिट्स होती हैं, कुछ फीचर्स होते हैं, क्वालिटीज़ होती हैं, वो अपने पेरेंट्स से मैच करती हैं, चाहे वो एनिमल्स की हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स की हैं, मनुष्य की हैं। सो लेट्स नो अबाउट इट। ऑफस्प्रिंग कैरी फॉरवर्ड द क्वालिटीज़, हैबिट्स एंड फीचर्स ऑफ देयर पेरेंट्स। ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स की क्वालिटीज़, विशेषताओं, आदतों और कुछ फीचर्स को लेकर पैदा होते हैं। इवन इफ सम ऑफ देम लुक डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स, यद्यपि कुछ जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स से अलग दिखाई देते हैं, उनके जैसे नहीं दिखते। व्हेन दे आर बोर्न, जब वो पैदा होते हैं, दे स्टार्ट लुकिंग सिमिलर टू देम वंस दे ग्रो अप, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो अपने पेरेंट्स की तरह दिखना शुरू कर देते हैं। This is very important for an animal type to survive. ऐसा animal की प्रजाति के लिए, जीवित रहने के लिए ज़रूरी होता है कि उनको अपने parents की तरह same दिखना होता है। Let us look at some examples. आओ कुछ examples देखते हैं।
चिल्ड्रन यू कैन सी इन दिस पिक्चर स्वान एंड इट्स बेबीज। आप देख सकते हो कि स्वान और उसके बेबी सेम दिखाई दे रहे हैं। सो लेट्स नो अबाउट इट। नोटिस हाउ बेबीज ऑफ द स्वान हैव बीक्स एंड फेदर्स लाइक देयर पेरेंट्स। ध्यान से देखो कि कैसे जो स्वान के बेबीज हैं उनकी चोंच और फेदर्स पंख अपने पेरेंट्स की तरह दिखाई दे रहे हैं, अपनी मम्मा की तरह दिखाई दे रहे हैं। दे आर डिफरेंट इन कलर, उनका कलर अलग होता है। बट वेन दे ग्रो अप, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, दे टर्न वाइट लाइक देयर पेरेंट्स, तो उसके जो फेदर्स हैं, उनके जो फेदर्स हैं, वो अपने मम्मा की तरह ही, अपने माता पिता की तरह ही वाइट कलर के हो जाते हैं। फ्रॉम एन अर्ली एज दे लर्न द क्वालिटी ऑफ पेडलिंग इन वाटर एग्जैक्टली लाइक देयर पेरेंट। छोटी सी एज से ही वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह ही वाटर में पैडलिंग करना, तैरना सीख जाते हैं। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। यू कैन सी इन दिस पिक्चर जिराफ एंड इट्स बेबी। आप देख सकते हो जिराफ और उसके बेबी को, वो दोनों सेम पोजीशन में खड़े हैं और वाटर ड्रिंक कर रहे हैं। आप देख रहे हो दोनों का सेम कलर है। सो लेट्स नो अबाउट इट। अ बेबी जिराफ लुक सिमिलर टू इट्स मदर। जो जिराफ का बेबी है वो अपनी मम्मा की तरह सेम दिखाई देता है। नोटिस हाउ द जिराफ एंड इट्स बेबी आर ड्रिंकिंग वाटर। ध्यान से देखो कि कैसे जिराफ और उसका बेबी वाटर ड्रिंक कर रहे हैं इन द सेम वे, बिल्कुल एक जैसे तरीके से। सिंस द जिराफ इज़ अ टॉल एनिमल, क्योंकि जिराफ है जो एक लंबा एनिमल है, इट हैज़ टू स्प्रेड इट्स लेग्स टू ड्रिंक वाटर। उसे वाटर को ड्रिंक करने के लिए अपनी लेग्स को स्प्रेड करना पड़ता है, फैलाना पड़ता है। द बेबी जिराफ इज शॉर्टर इन हाइट। जिराफ का बेबी हाइट में छोटा होता है। बट ड्रिंक्स वाटर इन द सेम वे एज इट्स पेरेंट्स, लेकिन वो सेम अपने पेरेंट्स की तरह ही वाटर को ड्रिंक करता है। नेक्स्ट लुक एट द पिक्चर ऑफ अ मदर एंड हर बेबी अलोंग साइड। यू कैन सी इन दिस पिक्चर मदर एंड हर बेबी एक साथ हैं। द बेबी इज स्मॉलर इन साइज, जो बेबी है वो साइज में छोटा है देन हर मदर, वो अपनी मम्मा से साइज में छोटा है। बट हर हेयर एंड सम फेशियल फीचर्स आर लाइक हर मदर, लेकिन जो उसके हेयर और सम फेस के जो फीचर्स हैं वो अपनी मम्मा से मैच करते हैं। बेटा जो बेबीज होते हैं, चाहे वो एनिमल्स के हैं या ह्यूमन बीइंग के हैं, मनुष्य के हैं, उनके कुछ फीचर्स अपने पेरेंट्स से मैच करते हैं, वो कुछ हैबिट्स और फीचर अपने पेरेंट्स से पहले से ही अडॉप्ट किए होते हैं, अडॉप्ट किए हुए ही पैदा होते हैं। उनकी कुछ जो क्वालिटीज़ होती हैं वो अपने पेरेंट्स से मैच करती हैं। होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।